गोविंद राम मृत मेघवाल पेशाब करे जेठे रामेश्वर डूडी पैदा हुए, देखो कितनी हल्की बात की। अगला के नीचे थेकला है, एक होनी है, कोई के अड्डा है, कोई के बंका है, कोई के हिदा है, सब के थेकला हुईड़ा चालनी में हुए जू। कांग्रेस वाला कह मारी बुजोड़ी धुनी में फूका दे, मैं गेल छो दो फूका दे, मारो मुंडो दू कह भूंगली कौन पकड़ी जे मारो यार, तो लारो कोई छेड़ो शुरू जावे तो वो आप रो जड़ जावे। अब कोई देवता पंचू को न्यारो है तो मन बता दियो भी की बुला दू। कालका माता जी की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, मारे एक ने तो बोल को 36 करोड़ की जय। तू बैठ जा देवता ब्याएगा रात का बदगा बोल। क्यों भारतीय जनता पार्टी में क्यों आयो, जका लंबे समय कांग्रेस में हो। हनुमान जी बेणीवाल बैठा है, कांग्रेस वाला चलावे तंगा का वारे भाड़े का टट्टू जोर का ले आ भाई, पाडे का दूध और तुम्बे के बीज घस के पिलाओ। हनुमान जी बेणीवाल मारे माते आरोप लगावे, देखो भाई अरे सुनो, मैं पहली राम राम करूं देन पंडाल गूंजनो चाहिए राम राम सा। हाँ यू मजो आएगो, थे थोड़ा हटी ना जाओ कि मजो ज्यादा है यार। आओ गई क्या बटी रहे हो, पर मुख्यमंत्री जी आवे जर तीन जाइ जो मती भाई साहब, सभा पूरी सुन जाइ जो मुख्यमंत्री जी की। बोलो वीर तेजा जी महाराज की, गुरु जम्बेसर भगवान की, राम सा पीर की, देवनान भगवान की। अब कोई देवता पंचू को न्यारो है तो मन बता दियो भी की बुला दू। कालका माता जी की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, मारे एक ने तो बोल को 36 करोड़ की जय। तू बैठ जा देवता ब्याएगा रात का बदगा बोल। आज ही मंच माते अपना लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जी मेघवाल साहब, और मारा नागौर में भाजपा का भीष्म पिता में आदरणीय सीआर चौधरी साहब, कैबिनेट मंत्री भाई सुमित गोदारा सत्या बैठी है भाई साहब, दू परमिशन ले सम्मानित मंच के दू। सम्मानित मंच मारा हामी बिरोड़े बिराजोड़ा ही देश का अंदाता किसान भाया और नौजवान भाया, लोकसभा का चुनाव उरिया है, राजस्थान का मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा साहब कुछ ही देर के मायने आउनाला है। आज जो चुनाव को माहौल है वो थंके हाथ में है, अगलो कहने थंके हाथ में के थे वोट दे जो सांसद बनी आंकी जगह हम ही चुनाव लड़े बे उम्मीदवारी कांग्रेस पार्टी में। हा अर मैं भाई साहब 10 तारीख का लारली 10 तारीख का कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आयो, था का मन में सवाल उठतो लो के वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आयो, जका लंबे समय कांग्रेस में हो। तो मैं बताऊं थाने ई वास्ते आयो कि कांग्रेस पार्टी के मायने जका समुदाय में आऊं भी समुदाय ने खत्म करने को काम कांग्रेस पार्टी करने लागी। ई की मैंने पीड़ा ही मन में मांगा, 6-7 जगह नेता हा, नटवर सिंह जी जगह हिंदुस्तान लेवल का नेता हा, परशुराम मदेना जगह हिंदुस्तान लेवल का नेता हा, मांगा परिवार राम सिंह विष्णोई जगह विष्णोया को कद्दावर नेता हो राजस्थान को, और राजेंद्र चौधरी दिव्या मदेना और हरीश चौधरी ने कमजोर करने को काम करियो तो कांग्रेस पार्टी मिली। कांग्रेस जगह लाल ला चुनाव में आप देखियो लो हनुमान बेणीवाल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर नागौर को सांसद बनियो, अब की बार कांग्रेस को तांगो लेर आयो है।
और तांगा में कौन बैठा है? हनुमान जी बेनीवाल बैठा है। कांग्रेस वाला चला वे तांगा का वारे भाड़े का टट्टू जोर का ले आ भाई। आ कांग्रेस री है, मौलाना अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैन का नेता ही कांग्रेस में हुआ। अब तांगा चलाने वाला नेता ही कांग्रेस के माय अंदाज लगा लियो आप भैया। मैं कोई मारा स्वार्थ की बात कौन करूं, मारे कोई स्वार्थ को नहीं है। ने मैं कोई डर हूं भारतीय जनता पार्टी में आयो हूं। हनुमान जी बेनीवाल मारे माते आरोप लगावे कई का जमाई के माते सीबीआई को केस होगा। हाँ मारो जमाई अमल डोडा भेज तो भाई जो पकड़ लेता बिन। हर कई को दिमाग खराब है। मैं थाने गेलो दिखू रे भाइया कटुई चारू मेर देखो मैं आवड़ू मैं गेलो हूं। आज मारे माते जीता कटाक्ष करे कोई माते कौन करे क्यों करे के राजस्थान में अगर कोई हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बोलियो तो पहलो आदमी है रिछपाल मिर्दा बोलियो पहलो आदमी है तेरा मांगे लाई उठ गई। अरे थे हनुमान जी नेता कैन बनिया हो थाके तो 302 को मुकदमो लगेड़ो भलो वो भी राजस्थान का मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी को जगो थाने 302 मु बचा लिया। और थे अशोक जी गहलोत ने गालियां दी थे वसुंधरा जी ने गालियां दी भी थे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गालियां दी भी जका की ताकत तू थे लारली बार एमपी बनिया और थे अमित शाह जी ने गालियां दी थे राष्ट्रीय नेता बनने के वास्ते ले तो थे पुंगी बजाऊन चलिया गया राजस्थान की चाबी मारा हाथ में रही पर बा पुंगी टूट गई जगो खाली एक थे 2000 बजगा नहीं जाना पुंगी लूंगी अगली ठिकाने उज्जैन। अब रियो सवाल गोविंद राम जी मेघवाल बहुत बड़ा नेता है नहीं बहु मिलियो मंत्री आजर में एक दो काम वास्ते गियो क्यों यार रिछपाल मिर्जा तू सीनियर आदमी है तू क्यों आयो थारा बेटा नहीं भेज दे तो मारो बेटो लारली बार विधायक हो। मैं क्यों साहब मैं आई को कहीं फर्क पड़े जका विधानसभा में एक बात बोली थे सुन जो क्यों गोविंद राम मृद मेघवाल पेशाब करे जेटे रामेश्वर डूडी पैदा हुए देखो कितनी हल्की बात की है। आज रामेश्वर डूडी वास्ते जका जीवन और मौत संघर्ष कर रही हो वो आदमी अटा को सांसद भी रही और अबार बांकी और तटा की विधायक है सुशीला जी क्यों मैं मूतू जटे रामेश्वर डूडी पैदा हुई है उगर है यार कहीं मूत आ कोई बात क्यों की है हल्की बात है आ। और राजनीति में जका आदमी रेवे वे कोई दूध दुल्योड़ा को नहीं है भैया अगला के नीचे थेकला है को नहीं है कोई के अड्डा है कोई के बंका है कोई के हिदा है सब के छेकला हुई उड़ा चालनी में हुए जू। और मारा परिवार में तो आरोप लगावे के मिर्जा नागोल ने लारे रहेगा मैं बताऊं थाने राजस्थान के मायने टेंडेंसी एक्ट बने हो किसे ना सुन जो बात झूठी हुआ तो मारो कान पकड़ जो बी टाइम के मायने नाथूराम जी मिर्जा एक अंग्रेज अफसरा टेंडेंसी एक्ट माते दस्तखत कराई और राजस्थान को किसान जकी जमीन ने जोते भी की खातेदारी को हक दिलाने वाली शख्सियत नाथूराम मिर्जा ही खातेदारी को हक दिलाने वाली शख्सियत नाथूराम मिर्जा ही ट्रोली टैक्स माफ कराने वाली शख्सियत नाथूराम मिर्जा ही और हिंदुस्तान में बात शख्सियता को नाम और भ्रष्टाचार को आरोप कौन लगियो 50 साल की राजनीति में थे देख लियो भैया कोई भी मिर्जा परिवार का सदस्य माते कोई भी तरह को भ्रष्टाचार को आरोप लगे हो तो थे कान पकड़ लियो मैं सिर मुंडार पहुंचू जातो रही मैं कोई नेता की हैसियत तो मीटिंग करने को नहीं आई हूं ना मैं नेता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी को एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। मारे अड्डा पांचू का 100-150 लोगों का फोन आया जका मारो सम्मान करे बे कि भाई साहब पांचू आजिया जरा मुख्यमंत्री जी भी मन काल पुष्कर में कियो और बिहारी जी भी मन कियो कि यार पांचू आजिया तो मैं ज्योति मिर्जा भी बात करी मैं कि भाई मैं तो ज्योति मिर्जा चुनाव में मैं सीआर साहब ने ठाया नागौर के बारे में पक अंदर हूं क्यों मैं अब 70 साल को आदमी
और कांग्रेस वाला कह मारी बुजोड़ी धूनी फूका दे मैं गैल छोड़ दू फूका दे मार मारो मुंडो तू कह भूंगली कौन पकड़ी जे मारो यार अबे फूका दे उनकी उम्र है मारी क्या मन के फूका दे सपना में है सपनों का ही ले के राजस्थान के मायने मैं हिंदुस्तान की बात करूं थाने ए मेघवाल साहब मंच माते जगह नेता को नारो है 400 पार और इस पाल मिर्दा को नारो है 450 पार। और एक बात और कहूं भारत में जर तई नरेंद्र मोदी जी जिये लो प्रधानमंत्री रेवे लो इन्हें प्रधानमंत्री कोई नहीं हटा सके ए 100 साल का उजाय नहीं तो घरे बैठो रिमोट नु सरकार चला दे रिमोट जरा थे भाई गोविंद राम जी ने बोर्ड देर कहीं ले मारा बीरा अर्जुन राम जी मेघवाल 3 बार सांसद बनियोडाक 4 बार बनियोडार कितो सरल आदमी कोई जाति नहीं कोई पाति नहीं कोई भेदभाव नहीं कहीं ले गोविंद जी मेघवाल कनु राज 5 साल बीजेपी को ऊपरे सीटा जीते 450 ज्यादा पर आप घाटा में रहे उनको अपने ठेको है कहीं रे मारा भैया ठेको है घाटा में रहे उनको कोनी ना हाँ यू मारी बात सुनो थे कर नागौर आओ नागौर सुरंगी धरती है भैया बहुत सूरवीर बट हुआ अधार बीकानेर में तब कितना सूरवीर हुआ मन याद को नहीं है जिला जी बतायो को नहीं मने नहीं तो भाई गिना दे तो मैं मतलब हर कौन को निवेदन करने को मतलब वो है लोगा ने ठगो एक मिनकी ब्याई मिनकी में हम जो थे हम जगह कोई कह बिल्ली कोई कह मिनकी जरा आको करे कांग्रेस वाला कांग्रेस आई तेरे बा मिनकी की डबजिया हाल मारा टाब रंग आंखिया कौन खुली है कहीं कह बांगी आंखिया खुलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी आई कि वो आंखिया आंबे खुली है भाई साहब आंकी तो आंखिया खुलिया उठा पड़ेगा अब भाजपा आ रही है और राजस्थान के मायने मैदान के हूं भैया 25 की 25 सीटा नरेंद्र मोदी जी जीते ला और भारतीय जनता पार्टी जीते ली मैं कोई भारतीय जनता पार्टी को भाट को नहीं हूं पर मैं जनता को आदमी हूं और जनता की नब्ज पहचान हूं वास्ते थाने कहूं 25 सीटा जीती थे पांचों का लोग थे मारा भाई जगह मारा वीडियो सुनो मने आज जितो मान और सम्मान दियो मैं था को सबको ऋणी हूं था को आभारी हूं प्रेम ही हटायो बाकी मैंने नेतागिरी की घनी आवश्यकता नहीं है काई नेतागिरी यार मैं तो 71 हूं हरू यो अरे अब बूढ़ो हो गो यार अब काई नेतागिरी करनी पर थांगा प्रेम ने देकर आयो मैं के भाई अर्जुन राम जी मेघवाल जैन को आदमी कौन मिले लो बिरा इन घमाई मत दीजियो थे इन्हें रागना है आने अर्जुन जी ने नरेंद्र जी मोदी के जन गिनती हुए नहीं जरा 450 की गुणती 450 की पहली इन गिनी अर्जुन जी मेघवाल ने के इकट्ठे इन आगे लियाओ और आने बताई टीवी के मायने राघव साहब बैठो फर्स्ट इंडिया लो ओ बताए अगड़ो पहली गए रियासा अर्जुन राम मेघवाल बीकानेरू जीत राया आया वो नहीं आया अरे घणो कोई के आप रो उजिया बोली को चाली को ना जरा मारकन दवाई है थाने बता दू के वो तो पर करनो पड़े तो थाने वो इलाज एक बार मारा हामी में विधानसभा में बैस ले अकाल रात की चर्चा चल रही तो मारा हामी महावीर जी एक टोंकू आता अबेलवांग सरगवास उगो महावीर जी जैन बीटे मुख्यमंत्री आ भैरव सिंह जी बीजेपी आई कि मारकन विधायक बारा भाई आया साथी क्यों यार वो हर जगह गई बीच में बोले मिर्जा तू को इलाज करे नहीं मैं क्यों इलाज तो कोई यार लड़ाई तो माऊ हुए को नहीं मैं शब्द बाण चला दे जो कौन बोले कर दी मैं क्यों अध्यक्ष महोदय इन महावीर जी को आपदा हो गया तो पाडे का दूध तुम्बे के बीज घस के पिलाओ पाडो नागौर में मिल जाए दूध में ले आए दे तुम्बा चूरू में मिल जाए क्यों चूरू मिल जाए मैं बिल्कुल मिल जाए तो आने कोई ने आप आवे जगह ने घास लेट को फूमो सुंगो तो लालो कोई छेरो सरू जावे तो वो आप रो जड़ जावे गणो छेरो मत करे जो मर जेला कोई इतो ही छेरो करो जितो हिसाब को हुए जितो के नहीं
तो अबे भाई साहब, मैं 20 मिनट को भाषण दे दियो और अबे अबे है? अब मैं थोड़ा मुख्यमंत्री जी आज जकवाते राखू रिजर्व में, ठीक है? तो एक बार मारी तरफ हूं गोदारा जी और मेघवाल साहब और जिला अध्यक्ष जी सीआर साहब ने इतो तो विश्वास दिला दियो के रिशपाल मिर्दा की बात रहा का दो हाथ उठा कर के भाई जिता दिया था ने। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो आप मान और सम्मान दियो के वास्ते रिशपाल मिर्दा आपको हमेशा ऋणी रही, बारो परिवार आपको ऋणी रही और नौजवाना आउनालो भविष्य भारतीय जनता पार्टी को बुजोड़ी धुनी में की नहीं रखी उड़ो। मैं कहूँ ना 25-30 सीटा ज्यादा नहीं जीत सके कांग्रेस पूरा हिंदुस्तान में। अब मैं दो चार बताया जी की राहुल जी की बस मुख्यमंत्री जी आया बस बताऊ बस मारो खजानो खाली जी बस कहीं बताऊ मेरा धन है राख लू रिजर्व में ये वास्ते है। अब मुख्यमंत्री जी आउनाला है तो मैं आया बस मैं दो चार बातें कह बस मैं बोल ले ही। मैं इतनी जनता का धांगा दर्शन करिया यार थांगो प्रेम देकर मैं गदगद हुई गो। बहुत लोग घटा का पंचों का प्रेम रखने वाला आदमी ये बात आप सब ने नमस्कार करते हुए मुख्यमंत्री को इंतजार करो। अबे भाई देखो कोई मूती उती लागे लारे करियो पड़ दो खोल पड़ दो बांधे खोल लियो अपने कहीं मूतिया और पचा जाओ घनी टाइम को लगे आने वाला है। जय हिंद बोलो भारत माता की वंदे। ओ मैं बीजेपी में युग क्यों पहले तो बोलता राष्ट्रगान करो और फलाना करो और ओ ही गोई माया। एक बात राखी रिजर्व में जकी बताऊ ना ने ये मंच माते राजस्थान का एक छोटा परिवार हुई मुख्यमंत्री शर्मा साहब पहुंच गया है बांगो स्वागत करो ताली बाजार आई हूँ थोड़ी जोर ढोकोन तारी गई भूखा उगाई। और मारा छोटा भाई बिहारी जी बांगे साथ आया मैं बात एक आपने बतानी चाहे हो के नरेंद्र मोदी जी की तुलना करे लव राहुल गांधी जी हूं ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी जी जका नहीं हिंदुस्तान को कल्चर ठाए के हिंदुस्तान की जनता कहीं खावे कहीं पिए कहीं पहरे और केन रेवे और केन कमार खावे ये बात की नरेंद्र मोदी जी ने जानकारी है। और राहुल गांधी जी ने मैं बताऊं मारी खुद की बात मैं 6 बार भी आदमी हूं मिल लियो और जायल विधानसभा क्षेत्र में मैं वहां मंच मा तू खुद भाषण दियो 5 ही आदमी आ सीपी जोशी मैं हरेंद्र मिर्दा एक उम्मीदवार और एक और तो भी भाषण में मैं एक बात की बट मंदगवाल खड़ी उम्मीदवार मैं क्यों भाई जायल खियाड़ा का चौधरी हरमाड़े जार मायरो भर दियो राज की रकम को बा बात आज गीता में गाई जे रहे थे मंजू के मायरो भर दीजिए और अब के कह रहे भाई और रिशपाल मिर्दा कहीं बात की जर कियो साहब बहन के मायरो भरे भी ने बात के वे भी की बात की तर वो खुद ताली बजाई राहुल गांधी पति एक बार मिलने बुलाया 2 बार मिलिया 3 बार मिलिया 4 बार मिलिया 5 बार मिलिया 6ठी बार गोपाल सिंह शेखावत ईड वाला कियो यार रिशपाल मारो टिकट काटे मैं भाई अपना कौन मिला भाई यार AICC को अध्यक्ष है ऑल इंडिया कांग्रेस का अब हम टाइम कौन करावे कि सचिन पायलट साहब करा दे मैं करा लियो टाइम चला टाइम करा दियो मैं गया आगे भी कमरा में बैठा मेहर गोपाल सिंह जी बढ़िया उठिया क्यों हु कहीं हुए इंग्लिश में मने समझ में आवे नहीं यार हु आर यू कहे कहीं तुम कौन हो है इंग्लिश में आई कहे शायद हु आर यू मने उन्हें जो हु अरे मैं क्यों गोपाल सिंह कट उंदा आएगा भाई साहब गोपाल सिंह जी क्यों साहब मेरा टिकट कट रहा कौन काट रहा है तुम्हारा टिकट तुम राजपूतों के नेता हो क्यों अशोक गहलोत काट रहा है क्यों तुम घर जाओ तुम्हारा टिकट घर पहुंच जाएगा मैं गोपाल सिंह जी हो जाओ घर जा कौन मिले टिकट घर जा होगा अब बात हमने बतानी बाकी रखी अब आदरणीय भजनलाल जी साहब ने सुनो और
मारा छोटा भाई बिहारी जी मन कियो के भाई तन आणो है, मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत मान सम्मान करूं के आज ही परिवार का जका परिवार हूं मुख्यमंत्री जी बनिया है। बहुत कम परिवार है जका ये पदमा तो फूक सके, और वो नरेंद्र मोदी जी बना सके दूजो नहीं बना सके, और आ भारतीय जनता पार्टी बना सके दूजी पार्टी मांगे तो बै बांगा पोतला मुंह निकले जगह ही बने, दूजा नहीं बन सके भाई। क्यों? क्या खानदानी परंपरा चले? अरे यार मैं कह यार जग